बैलेंस शीट एनालिसिस, बैलेंस शीट एनालिसिस आपको कंपनी का पूरा पिक्चर बता देगा कि क्या एसेट्स है और क्या लाइबिलिटीज है, साथ ही साथ कितना अमाउंट शेयर होल्डर्स ने ऑन कर रखा है, शेयर होल्डर्स के पास कितने पैसे हैं। तो बैलेंस शीट क्या होता है, एक तरह का एनालिसिस आपको बताता है किसके बीच में कंपनी का जो एसेट्स होता है लाइबिलिटीज उन दोनों के बीच में, साथ ही साथ यहाँ यह भी बता देगा शेयर होल्डर के पास कितना, शेयर होल्डर के पास कितना पैसा ऑन है, कितना पैसा शेयर होल्डर ने लगाया है। ठीक है, बैलेंस शीट आपको हेल्प करता है कि बिजनेस कितना रियली वर्थ है, और बिजनेस जो आप कर रहे हो कितना रियलिटी रियलिटी में वो हकीकत में कितना वो काम का है, कितना वर्थ है। बैलेंस शीट की मदद से आप कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन जान सकते हैं, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, एग्जैक्टली आप पता कर सकते हैं बैलेंस शीट की मदद से। बैलेंस शीट का शॉर्ट फॉर्म BS होता है, कभी कभी क्वेश्चन BS लिखा हुआ रहेगा तो घबराइएगा नहीं, BS का मतलब होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की मदद से आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को पता कर सकते हैं, और आपको वार्न करता है वो पोटेंशियल प्रॉब्लम, साथ ही साथ आपको सलाह भी देता है कि आप साउंड बिजनेस डिसीजन लें। तो बैलेंस शीट जब आप रिव्यू करते हैं तो यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ है तो आपको एक वार्निंग सिग्नल या फिर वार्निंग मैसेज बताया जाता है पोटेंशियल क्या क्या आपको प्रॉब्लम हो सकता है, साथ ही साथ आपको यहाँ यह भी सजेस्ट किया जाता है कि बताया जाता है कि क्या साउंड बिजनेस डिसीजन होगा। बैलेंस शीट दिखाता है या बताता है कि कंपनी का एक्टिविटी मेनली क्या चीज से फाइनेंस है। ठीक है, बैलेंस शीट ये भी बताता है कंपनी का जो एक्टिविटी है वो क्या चीज से फाइनेंस किया हुआ है। तो पहला हो गया जैसे ऑनर्स इक्विटी, इसका मतलब क्या है, इसका ऑनर्स इक्विटी इसका मतलब हो गया कि कैपिटल स्टॉक रिटेन्ड एनालिसिस। ठीक है, सॉरी कैपिटल स्टॉक हो गया, रिटेन्ड अर्निंग हो गया, रिजर्व्स हो गया। ठीक है, फिर लाइबिलिटीज में आ जाइए तो हो जाएगा आपका अकाउंट पेबल, लोन पेबल और टैक्स पेबल, अकाउंट को पे करना, लोन का पैसा पे करना और टैक्स का पैसा पे करना। करंट एसेट, करंट एसेट उस तरह के एसेट को हम लोग बोलते हैं जहां पे कि वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है एक ऑपरेटिंग साइकिल में, विद इन वन ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है वन ईयर, एक साल के भीतर भीतर। तो पहला हो गया जैसे कैश एंड बैंक बैलेंस, दूसरा है आपका इन्वेस्टमेंट्स जो इस पर आरबीआई गाइडलाइंस है, तीसरा हो गया रिसीवेबल्स, सर्टरी डेप्टर्स मतलब जहां से पैसा इनको मिलना है, रिसीवेबल मतलब जहां से पैसा इनको मिलेगा, तो सर्टरी डेप्टर्स भी मान लीजिए आपने पैसा किसी और को दिया होगा। ठीक है, तो वो छह महीने के भीतर भीतर पैसा मिल जाता है तो करंट एसेट में आ जाएगा वो। फिर ये बिल रिसीवेबल्स, फिर हो जाएगा आपका इन्वेंट्री में आ जाएगा रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स यानी स्टॉक्स, पर वैसा स्टॉक नहीं आएगा जो ऑब्सोलेट स्टॉक है, ऑब्सोलेट मतलब होता है जो खराब स्टॉक हो गया वो काउंट में नहीं आता। ठीक है, फिर हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसे रेंट, टैक्स हो गया, रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया। अब आइए फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट को बेसिकली डिफिकल्ट होता है कैश में कन्वर्ट करना और ये एक साल के बाद होगा। ठीक है, तो ठीक है यहाँ पे फिक्स्ड, यहाँ पे प्लांट्स और मशीनरी हो जाएगा, लैंड और बिल्डिंग हो जाएगा, फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स हो जाएगा, व्हीकल्स हो जाएगा। अदर नॉन करंट एसेट्स में आइए तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए डाला जाता है पैसा, जैसे हो गया आपका डेप्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये बेसिकली। ठीक है, पहला क्या हो गया, वैसा डेप्टर जिसका कि छह महीना से ऊपर पैसा पेंडिंग है, क्या है वैसा डेप्टर जिसका छह महीने से ऊपर का पैसा पेंडिंग है तो इसमें आ जाएगा अदर नॉन करंट एसेट में आ जाएगा या नॉन करंट एसेट में आ जाएगा, ऑब्सोलेट स्टॉक में आ जाएगा। ऑब्सोलेट स्टॉक वो स्टॉक होता है जो कि यूजलेस है, ठीक है, या खराब हो गया। फिर हो गया इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हो जाएगा, टेंडर या सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपने डिपॉजिट से किया होगा एक साल से ऊपर का डिपॉजिट तो वो भी नॉन करंट एसेट में आ जाता है। डेफर्ड रिसीवेबल्स, वैसा डेफर्ड का मतलब क्या होता है कि आपको महीना महीना पैसा आपको मिलता रहेगा, महीना छह महीने में क्वार्टरली पैसा आपको मिलता रहेगा। एडवांस टू स्टाफ डायरेक्टर्स, कुछ पैसा आप जो स्टाफ को देते हैं, डायरेक्टर को देते हैं वो, या एडवांस मतलब क्या, लोन का पैसा कुछ स्टाफ को दिया, डायरेक्टर को दिया उसका। पेटेंट, वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करा रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। गुडविल, ये सारे नॉन करंट एसेट्स के पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को कॉपी में प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे मेगा ऑफर और ऑफर लिमिटेड पीरियड तक है, यहाँ पे आपको JIB और CIB कोर्सेज प्रोवाइड की जाती है, सारी कोर्सेज ऑनलाइन मोड पे होता है, यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा जिसकी मदद से वीडियो लेक्चर कोर्सेज दे सकते हैं, स्टडी का वीडियो दे सकते हैं, 2004 क्वेश्चन बैंक रहेगा, क्विक रिवीजन नोट रहेगा और मॉक टेस्ट रहेगा, और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो लाइफ लॉन्ग रहेगी। अगर आप मान लीजिए JIB और
का प्रिंसिपल से लीगल पेपर करते हैं, पीपीटी वीडियो कोर्स करेंगे दाम है 600 रुपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स करेंगे दाम है 1200 रुपये, जेआईबी का अकाउंटिंग का वीडियो कोर्स करते हैं पीपीटी में दाम 800 रुपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स करते हैं दाम है 1500 रुपये, जेआईबी का कॉमर्स पर करते खरीदते हैं अगर 3 रुपये के साथ खरीदते हैं तो दाम है 1500 रुपये पीपीटी वीडियो कोर्स में, और फेस टू फेस वीडियो कोर्स में दाम है 3000 रुपये, सीआईबी का एबीएम बीएफ रिटेल बैंकिंग खरीदते हैं पीपीटी वीडियो कोर्स में दाम है 800 रुपये, और फेस टू फेस वीडियो कोर्स में दाम है 1500 रुपये, सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर यानी एबीएम प्लस बीएफएम खरीदते हैं इसका दाम है 1500 रुपये, और फेस टू फेस वीडियो कोर्स में दाम है 2700 रुपये, सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर हो गया एबीएम प्लस बीएफएम प्लस रिटेल बैंकिंग खरीदते हैं इसका दाम है 2000 रुपये, और फेस टू फेस वीडियो कोर्स में दाम है 3500 रुपये। जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो गया 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946, तीसरा नंबर है 7042586847, और वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो गया www.jivcmbstudymetal.com, ईमेल आईडी हो गया seedsilabundu3@gmail.com।